इस खाकी की क्या हैसियत है तुझे नहीं पता? तुझे इतना मारेंगे तभी तुझे इस खाकी की हैसियत पता चलेगी, समझ गया ना? खाकी की वजह से तुम्हारी इज्जत है, समझा? मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया था इस धरती पे, उस वक्त मेरी बहुत इज्जत हुई थी, समझा? ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसकी कोई कदर नहीं होती, समझा क्या? है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर तू उनके बीच में आया तो मैं तेरा क्या करूँगा पता है ना? गर्दन काट दूंगा तेरी। गांव की रक्षा करने वाली कुल देवी की पूरा गांव पूजा करता है, लेकिन गांव को खराब करने वाली की नहीं, ये बात सच है, ये कोई हवा नहीं है। इस धरती पर जब तक रहूंगा न्याय के लिए लड़ूंगा, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बोलने के पहले 100 बार सोचता हूँ, बिना सोचे नहीं बोलता, समझा क्या? तेरे बेटे ने, तेरे शिष्य ने, तेरे भाई ने क्या किया, क्या किया पता है? मुझसे अगर तुमने यहाँ आकर शादी नहीं की ना, तो मैं तेरी शादी किसी और से होने भी नहीं दूंगी। फूल पकड़ने वाला हर कोई मजनू नहीं होता। वो तुझे क्यों चाहिए रे? वो तेरी बीवी नहीं बन सकती। भगवान चाहेगा तो जरूर बनेगी, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लड़कियों के मैटर में अगर तू गया तो तेरा करंट खत्म। उसके लिए तू मरने के लिए तैयार है ना, और मारने के लिए भी ना, ऐसा ही कहता था ना? हाँ, लेकिन वो नहीं मरना चाहती। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं मारने के लिए। मरेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। प्यारे कमीने, प्यार करने वालों को काटने के लिए तैयार रहते हो ना, क्योंकि तुझे काटने वाला आज तक नहीं आया होगा। लड़की तुझसे प्यार नहीं करेगी तो तू उसे चाकू मारेगा क्या? लड़की अगर प्यार नहीं करती है तो तू उसे पत्थर से मारेगा क्या? मैं तुझे आज बताता हूँ कि पत्थर से क्या होता है। तू उसे केरोसिन डाल के चला देगा, अगर मैं आग लगाऊंगा तो ना केरोसिन की जरूरत पड़ेगी और ना पेट्रोल की, समझ गया क्या? इसीलिए सबको मार डाला मैंने। लव, प्यार, मोहब्बत, क्या मतलब है इसका पता है तुम लोगों को? मैं बताऊं क्या तुम लोगों को? हे भगवान जी, मेरे दिल में जो कुछ भी था आपसे बता रही हूँ। कैसे कहूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वही मेरा पति बनना चाहिए। इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म में मुझे वही चाहिए। वो मुझे मिलकर रहेगा, मुझे वही चाहिए। हे भगवान, वही मेरे दिल में बसा हुआ है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे प्यार में कोई अड़चन ना आ पाए ऐसा करना भगवान। मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूँ भगवान, उसे बिना देखे मैं एक पल नहीं रह सकती। मेरी सांस रहने तक वो मेरे साथ रहे, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।
मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या स्टाइल है। जो भी कहना चाहती हो यहीं पे कहो। पर क्यों? ये तूफान किस तरफ जाएगा इस बात का डर है क्या तुम्हें? सच कहा ना। तूफान में भी सीना तान कर खड़े रहने वाला खानदान है मेरा। तैयार है क्या? चलेगी कि नहीं? क्या तुम्हें मैं लड़की नहीं लगती? मुझे देखकर तुझे प्यार करने का मन करता है? ऐसे चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना। मुझे आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं है ना तुझ में? या फिर तुम मर्द ही नहीं हो? मर्द की मर्दानगी को चैलेंज कर रही हो, हल्के में मत लो। इतना कहने पर भी चैलेंज कह रहे हो, मतलब डाउट है। मुझे डाउट है। शब्दों से घर उजड़ जाता है ऐसा सुना था, लेकिन आज पता चला कि बातों से इंसान का दिल भी बहक जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं अगर किसी से भी कहूँ ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो अभी हजारों की लाइन खड़ी हो जाएगी, देख लेना तुम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मेरे बारे में अभी तुझे पता नहीं है, मैं बहुत खराब हूँ, लेकिन अच्छे इंसान की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम अच्छे हो या बुरे मुझे उससे मतलब नहीं है, बस इतना पता है कि मुझे तुम चाहिए, समझ गए? जरा वहां देखो, वो भी मेरी तरह मर्द है, उसे जाकर लाइन दो। तुम पता नहीं उसके लिए सीता बनोगी या नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए जीवन भर रामचंद्र जरूर बन के रहेगा, समझी? पक्का, मेरी बात नोट कर लो। मैंने जो कह दिया ना वो फिक्स हो गया। और तुम्हें पता है क्या, हमारे गांव में ना एक कुआं है, उस कुएं से जो खींच खींच कर पानी निकाल सके ऐसा मर्द चाहिए, बिल्कुल तुम जैसा। लो ये तो फंस गया। इसका मतलब मेरी मेहनत से तू अपना घर बनवाना चाहती है क्या? ओके, मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ, तुम घर बनवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? आ जाओ। मैं तुमसे ना सच्चा प्यार करती हूँ और मैं शादी भी तुमसे ही करूंगी। मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा स्टाइल देखकर मेरा सब कुछ अच्छा होगा यही सोचा था, और इसीलिए मुझसे प्यार कर रही हो? नहीं, इस जन्म में मैं तुम्हारी और तुम मेरे हो ऐसा ब्रह्मा जी ने लिख के भेजा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग समझ कर अगर तुम इस नरक में गिरना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छा तुम गिर सकती हो। आ जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये क्या है पता है? इस धरती की औरतों के लिए पवित्र मंगल सूत्र है और इसे कोई भी नहीं बांध सकता। जब तक भगवान ने किस्मत में ना लिखा हो तब तक कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं बांध सकता। मेरे गले में ये मंगल सूत्र तुम ही बांधोगे, ये मेरी किस्मत में कब का लिखा हुआ है। उस ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया उसे कोई नहीं रोक सकता।
जब अच्छा समय आएगा तो ये मंगलसूत्र जरूर बांधूंगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? कौन बोल रहे हो? मैं कौन तुझे पता नहीं क्या? अच्छा तो याद रखने के लिए कोई अंबानी है क्या? या कुबेर की लिस्ट में रहने वाला? कुबेर है। इसका मतलब तुझे मुझसे प्यार नहीं। ए, प्यार बोल के मेरे पीछे पड़ा तो चप्पल टूटने तक तुझे मारूंगी, और उस मार वाले प्यार को तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ए, तू मेरे को मारेगी? ए, मंगलसूत्र बांधने वाला पति भी अगर ठीक से बर्ताव नहीं करता तो हम उसे छोड़ देते हैं, और तू पकड़। मुझे प्यार करने वाली सावित्री समझा है क्या?